सो हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, वेलकम करता हूँ आप लोगों का हमारे चैनल के एक बिल्कुल ही फ्रेश वीडियो में। दोस्तों कैसे हो आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहना। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अपने फ्री फायर गेम के अंदर आने वाले नेक्स्ट वीपन रॉयल के बारे में कि हमारे आने वाले इस OB30 अपडेट के बाद नेक्स्ट वीपन रॉयल के अंदर कौन सी गन हम लोग को अवेलेबल कराई जाएगी उसके बारे में आप लोगों को पूरा क्लियर इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। उसके साथ साथ दोस्तों हमारे गेम के अंदर आने वाले कुछ अपकमिंग इवेंट और अपडेट, उसके साथ साथ ड्रैको AK, कोबरा MP40, ये सारी ईवो गन्स हम लोग को कब तक रिटर्न में देखने को मिल सकती हैं उसके बारे में भी आप लोगों को आज इस वीडियो के अंदर इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो वीडियो यार आप लोगों के लिए काफी दम बॉर्डर रहने वाली दोस्तों, पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए यार वीडियो को बिना देर के भी स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मोटिवेशन मिलता है, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ जिससे यार उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट जरूर कर दीजिएगा जिससे यार आप लोगों को फ्री फायर की ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप लोग ऐसे ही अपडेटेड रह सको। दोस्तों इसके अलावा अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे फेसबुक पे फॉलो नहीं किया, फटाफट फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी, फटाफट फॉलो कर लो क्योंकि यार वहां पे मैं आप लोगों के लिए डेली गिव अवे करता हूं। और भैया हमारे बुइया ऐप पर एक बहुत ज्यादा ओपी वाला इवेंट चल रहा है जहां से आप लोग काफी ढेर सारे फ्री के रिवॉर्ड विन कर सकते हो, तो डिस्क्रिप्शन में बुइया ऐप की भी लिंक मिल जाएगी, फटाफट सब लोग बुइया ऐप को ज्वाइन करो और मजे करो। तो दोस्तों यार वीडियो में सबसे पहले यहाँ पे हम बात करने वाले अपने फ्री फायर गेम के अंदर आने वाले अपने ड्रैको AK रिटर्न के बारे में। यहाँ पे आप लोगों को काफी ढेर सारे कमेंट्स देखने को मिल जा रहे थे, क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि भैया जो हमारा ड्रैको AK है वो हम लोग को हमारे फ्री फायर गेम के अंदर कब रिटर्न में देखने को मिलेगा। तो चलिए यार उसी के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता हूं। तो सबसे पहली चीज दोस्तों यार यहां पे मैं आप लोगों को क्लियर करके बता देना चाहता हूं, यहां पे हमारे फ्री फायर के और जितने भी सर्वर हैं जैसे कि यार अदर हमारे यहां पे मीना सर्वर हो गए, रशिया सर्वर हो गए, ब्राजील, इंडोनेशिया, हर एक सर्वर के अंदर हम लोग को जो हमारी ड्रैको AK है ये रिटर्न में देखने को मिल चुकी है काफी टाइम पहले ही, और वहां पर एक नहीं भाई 2 से 3 बार रिटर्न में आ चुकी है। सिर्फ और सिर्फ हमारा अभी यहां पे इंडियन सर्वर बचा हुआ है जिसके अंदर हम लोग को रिटर्न में देखने को नहीं मिली है। तो अगर बात करें कि अपने इंडियन सर्वर में कब तक यहां पे रिटर्न में देखने को मिल सकती है, तो भैया यहां पे चांसेस बन रहे हैं कि जो हमारा दिवाली इवेंट आने वाला है उस दौरान हम लोग को देखने को मिल सकता है रिटर्न में किसी न किसी वेब इवेंट या फिर भैया फेडेड व्हील इवेंट के अंदर हम लोग को हमारा ड्रैको AK जो है फिर से रिटर्न में अवेलेबल कराया जा सकता है। कन्फर्मेशन तो नहीं दे सकता हूँ दोस्तों, लेकिन ऐसी लीक्स निकल के आई हुई हैं तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, अगर कन्फर्मेशन मेरे को मिलेगी तो नेक्स्ट वीडियो में उसको जरूर से कवर कर दूंगा, लेकिन मान के चलो कि दिवाली के आसपास हम लोग को जरूर से देखने को मिलना चाहिए क्योंकि भैया जो हमारा ड्रैको AK है इसका गिवे वगैरह भी हुआ है फ्री फायर की तरफ से, तो इसके चांसेस तो हैं कि भाई आने वाले टाइम में हम लोग को जरूर से रिटर्न में देखने को मिलेगा। थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन रिटर्न में आएगा, इतना आप लोग कन्फर्म मान के चलो। इसके बाद दोस्तों यार वीडियो में मैं आगे आप लोग को इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ हमारे फ्री फायर गेम के अंदर आने वाले गिफ्ट स्टोर के अंदर 50% ऑफ के बारे में कि गिफ्ट स्टोर में डिस्काउंट हम लोग को कब तक देखने को मिल सकता है, क्योंकि यार काफी ज्यादा टाइम हो चुके दोस्तों हम लोग को हमारे गिफ्ट स्टोर के अंदर डिस्काउंट अवेलेबल नहीं कराया गया है। तो आने वाली टाइम में यार कौन सी डेट को हम लोग को देखने को मिल सकता है और क्या क्या आइटम्स पे हम लोग को डिस्काउंट देखने को मिलेगा बेसिकली उसके बारे में भी आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि यार इसके पहले जब हमारा डिस्काउंट आया था गिफ्ट स्टोर में तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग को भैया कुछ दिन के लिए कैरेक्टर पर दिया गया था और कुछ दिन के लिए पेट पर दिया गया था। तो मैं यहाँ पर आप लोग को बताने वाला हूँ कि पूरे के पूरे गिफ्ट स्टोर में कब डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जो यहाँ पे इसके चांसेस बन रहे हैं ये हमारे यहाँ पे दिवाली इवेंट के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि यार मैं आप लोग को एक चीज क्लियर करने चाहता हूँ दोस्तों कि जो दिवाली इवेंट है ना वो हमारे इंडियन शो के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा इवेंट है, बहुत ही बड़ा इवेंट है, बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है, आप लोगों को पता होगा। तो दिवाली इवेंट के दौरान दोस्तों चांसेस बन रहे हैं कि हम लोग को गिफ्ट स्टोर पे डिस्काउंट देखने को मिले, ज़्यादा तो चांसेस नहीं है लेकिन भैया 50% चांसेस हैं। तो मैं आप लोग को याद दिला देना चाह रहा हूँ, बता देना चाह रहा हूँ कि हो सकता है भाई यहीं तो आप लोग ये बोलो कल को कि भैया आपने इसके बारे में बताया ही नहीं था। वैसे आप लोग यार कमेंट करके जरूर से बता देना कि आप लोग यार गिफ्ट स्टोर के अंदर डिस्काउंट का वेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और चाहते हो कि नहीं चाहते हो ये भी कमेंट करके जरूर बताना कि भैया गिफ्ट स्टोर के अंदर डिस्काउंट आया कि नहीं आया, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अब इसी के साथ साथ हम बात कर लेते हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले न्यू फिस्ट की स्किन के बारे में, क्योंकि यार आप लोग के क्वेश्चन रहते हैं कि भैया नई फिस्ट की स्किन कब आएगी। तो भैया यहाँ पे हमारी एक हेल स्टोन वाली जो फिस्ट की स्किन थी वो अभी तक हमारे इंडियन शो में नहीं आई हुई है, जबकि अदर शो की बात करें तो अदर शो में काफ़ी टाइम पहले भैया ये अवेलेबल करा दी गई थी, और आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हो काफ़ी देर प्यारी एनिमेशन के साथ हम लोग ये फिस्ट की स्किन देखने को मिल जा रही है, जो कि यार बताया जा रहा है कि हमारे आने वाले नवंबर मंथ के अंदर हम लोग ये प्यारी सी फिस्ट की स्किन हमारे फेडेड व्हील इवेंट के अंदर अवेलेबल कराया जा सकता है। अब मैं अगर बात करूं भैया तो फेडेड व्हील इवेंट के अंदर तो इसके कम ही चांसेस बन रहे हैं, अगर ये आएगी फिस्ट की स्किन तो इसके सिर्फ एक ही चांस है जो कि भैया हमारा टोकन टावर इवेंट, क्योंकि यार मैं आप लोग को क्लियर कर दूँ कि हमारे इंडियन शो के अंदर भैया जितने भी फिस्ट की स्किन आई है अभी तक जितनी भी फिस्ट की स्किन आई है सारी की सारी फिस्ट की स्किन हम लोग को टोकन टावर इवेंट के अंदर अवेलेबल कराई गई है।
तो ये वाली जो फिस्ट की स्किन है भैया ये भी देखने में काफ़ी ज़्यादा प्यारी है, ब्लू कलर की है, तो इसके भी चांसेस बन रहे हैं टोकन टावर इवेंट के। अब आप लोग एक चीज़ बताना, प्रीफर करना, मतलब क्या चाहते हो भाई कि टोकन टावर इवेंट के अंदर आए, फेडेड व्हील इवेंट के अंदर आए, या फिर भैया किसी वेब इवेंट के अंदर आए, किस में आप लेना पसंद करोगे, ये चीज़ कमेंट करके जरूर से दोस्तों बता दीजिएगा। अब चलिए यहाँ पे हम वीडियो में बात कर लेते हैं अपने गेम के अंदर आने वाले नेक्स्ट वीपन रॉयल के बारे में, कि हमारे गेम के अंदर कौन सी वीपन रॉयल के अंदर गन आ सकती है, इसके मैं आप लोग को यहाँ पे क्लियर करके बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अगर अभी तक लाइक नहीं किया हो शेयर भी कर ही देना, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट जरूर कर लो, और हमारी MG फैमिली का एक प्यारा सा हिस्सा जरूर से बन जाओ। तो यहाँ पे दोस्तों अगर वीपन रॉयल की बात करें तो हमारी एक बहुत ही कलरफुल MP40 निकल के आई हुई है, जो कि यार मैं आप लोग को स्क्रीन पर दिखाना चाहूँगा। आप लोग देख सकते हो ये हमारी पोकर MP40 से रिलेटेड यहाँ पे लगती हुई है, जो कि यार मैं आपको काफ़ी टाइम पहले भी दिखा चुका हूँ। तो ये वाली जो MP40 है भैया ये यहाँ पे हमारी सिंगल MP40 है, मतलब इसके साथ और भी कोई MP40 यहाँ पे नहीं दिखाई गई है, और इसके अंदर भैया जो इसका एनिमेशन वगैरह यहाँ पे बनाया गया है उसके अंदर हम लोग को काफ़ी ढेर सारे कलर देखने को मिल रहे हैं। मैं आप लोग को इसका एनिमेशन भी दिखा रहा हूँ, देख सकते हो जितनी भी यहाँ पे हमारी इंक्यूबेटर वाली MP40 थी, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू वाली जितनी भी थी, सारे के एनिमेशन यहाँ पे इसके अंदर डाले गए हैं। और ये ब्लू कलर की जो MP40 है इसके अंदर हम लोग को इफेक्ट देखने को मिल जा रहा है इलेक्ट्रिक वाला हल्का सा। तो ये बताया जा रहा है कि हमारा जो वीपन रॉयल आएगा ना भैया उसके अंदर हम लोग को ये अवेलेबल कराया जा सकता है, क्योंकि भैया ये सिंगल यहाँ पे गन की स्किन है, तो इसके वीपन रॉयल के अंदर चांसेस भी बन रहे हैं काफ़ी ढेर सारे कि हम लोग को अवेलेबल करा दिया जाए। अब आप लोग यार MP40 चाहते भी नहीं चाहते वीपन रॉयल के अंदर, ये चीज़ कमेंट करके जरूर से जरूर बता दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों यार यहाँ पे हमारी एक AWM की भी स्किन निकल के आई हुई है, जो कि यार बिल्कुल ही ब्रांड न्यू स्किन है। इसके अलावा यहाँ पे जो हमारी कट्टा रहती है भाई M500, या फिर भैया बोल सकते हैं GA10, इसकी एक नई स्किन निकल के आई हुई है, जो कि यार देख ही सकते अपनी स्किन पर। ये वाली भैया बताया जा रहा है कि वीपन रॉयल के अंदर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो AWM की स्किन आप लोग देख सकते हो ये लेजेंडरी स्किन रहने वाली है, इसके अंदर अभी एनिमेशन नहीं देखने को मिला है, लेकिन भैया आने वाले टाइम में एनिमेशन रहेगा। तो अगर एनिमेशन रहेगा भैया तो हमारे वीपन रॉयल के अंदर इसके चांसेस तो बहुत ही ज़्यादा बनने हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर यहाँ पे दूसरी गन्स की बात कर लें तो जो दूसरी गन है उसमें हमारी एक लेजेंडरी थॉम्सन की स्किन भी निकल के आ रही है, जिसके अंदर हम लोग को बहुत ही हल्का सा माइनर यहाँ पे एनिमेशन देखने को मिल जा रहा है। ग्रीन कलर की ये थॉम्सन की स्किन यहाँ पे बनाई गई है, जो कि लिटरली लुक वाइज भैया काफ़ी ज़्यादा OP यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। और इसके यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं कि हमारे आने वाले OB30 अपडेट के बाद हम लोग हमारे नेक्स्ट वीपन रॉयल के अंदर ये अवेलेबल कराई जा सकती है। अब आप लोग यार एक चीज़ कमेंट करके बताओ कि भाई थॉम्सन की स्किन आप वीपन रॉयल के अंदर चाहते हो कि नहीं चाहते हो, ये चीज़ कमेंट करके दोस्तों जरूर से जरूर बता दीजिएगा। और ये हमारी काफ़ी पुरानी गन की स्किन है यार, काफ़ी टाइम पहले ही आई थी लेकिन अभी तक अवेलेबल नहीं कराएगी। और M1887 की भी एक स्किन निकल के आई हुई है, जो कि यार यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हो, ये वाली जो M1887 की स्किन है अभी तक हमारे इंडिया के अंदर नहीं आई और लेजेंडरी है भैया। तो लेजेंडरी होने के कारण इसके वीपन रॉयल के चांसेस बन रहे हैं, या फिर टोकन टावर इवेंट के, या फिर भैया लूडो इवेंट के बन रहे हैं। तो तीनों चांसेस इसके हैं M1887 के, जो कि मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ पुरानी गन्स की स्किन थी जो कि यार अभी तक अवेलेबल नहीं कराई गई है, तो आने वाले टाइम में ये देखने को मिल सकता है वीपन रॉयल में, या फिर भैया OB30 अपडेट से रिलेटेड यहाँ पे काफ़ी ढेर सारी नई गन निकल के आई हुई है, जो कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो। तो इनमें से कोई ना कोई एक गन की स्किन हमारे आने वाले OB30 के बाद जो वीपन रॉयल आएगा उसमें अवेलेबल कराया जा सकता है। अभी 100% कंफर्म यहाँ पे पता नहीं चला है, लेकिन जो लीक्स निकल के आई हैं वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दिया हूँ। अगर 100% कंफर्म न्यूज मिलेगी तो वो भी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा, लेकिन उसके लिए दोस्तों आप लोगों को छोटा सा काम करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल को सेट जरूर करना है। तो चलिए दोस्तों बाय बाय, मिलते हैं एक बिल्कुल ही फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।